हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमन मेडिसिन नॉलेज में। तो गाइस, हम आपके लिए एक और हेल्पफुल मेडिसिन लेकर आए हैं, गैस्ट्रो फास्ट रेजिस्टेंस कैप्सूल्स लेकर आए हैं आपके लिए। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको इसके यूजेस बताएंगे कि इस कैप्सूल के आपको क्या यूज़ मिल सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो लाइकन उसको प्रेस कर दें हमारी न्यू वीडियो का अपडेट्स पाने के लिए। गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास गैस्ट्रो फास्ट रेजिस्टेंस कैप्सूल है। तो गाइस, हम आपको इसका यूज बताते हैं कि आपके किस चीज में ये कैप्सूल्स यूज आते हैं और कितने हेल्पफुल आपको रहते हैं ये कैप्सूल्स। तो गाइस, जैसा कि आपके पेट गुम रहने लगता है, आपके पेट में गैस बन जाती है, आपको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, आपके गले में वो जलन होने लगती है खट्टी डकारें आने से, तो गाइस ये उन सब चीज़ों में बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको गैस बनती है, आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं या आपका पेट गुम रहने लगता है, तो गाइस ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा इस कैप्सूल का अगर आप इसका यूज़ करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ इसका कैप्सूल का किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो गाइस, आपको इस कैप्सूल का सुबह और शाम यूज़ करना है। सुबह और शाम आपको एक एक कैप्सूल पानी के संग खा लेना है और आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। गाइस, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, गाइस इस कैप्सूल का आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा अगर आप इसका यूज़ करेंगे। तो अगर आपके गैस बनती है, आपका पेट गुम रहने लगता है या आपके गले में मतलब कि जैसे खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और आपके गले में जलन होने लगती है, तो गाइस इस कैप्सूल से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप इस कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो। और गाइस, मैं आपसे बता दूँ, अगर आप 15 साल से ऊपर हैं तभी इस कैप्सूल को यूज़ करें, 15 साल से नीचे कोई भी बच्चा है कोई भी है तो गाइस इसको यूज़ ना करें इस कैप्सूल को। आप 15 साल से ऊपर हैं तभी इस कैप्सूल को यूज़ करें। और गाइस, मैं आपको इसका साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ इस कैप्सूल का, आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो गाइस, आपको बस थोड़ा से चक्कर आ सकते हैं, आपको बस चक्कर आ सकते हैं जैसे कि आप इस कैप्सूल का यूज़ करेंगे तो आपको बस चक्कर आ सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि गाइस इस कैप्सूल को आप यूज़ करते हैं तो आपके दिमाग में जो गैस है वो गैस चढ़ जाती है थोड़ी बहुत अगर ये इसको रिलीज़ करता है। तो गाइस, आपको बस इसी साइड इफ़ेक्ट का सामना करने के लिए मिल सकता है कि आपको थोड़े बहुत चक्कर आ सकते हैं। फ़िलहाल ये ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसा मतलब फ़िलहाल होता नहीं है कि चक्कर आए किसी को अगर इस कैप्सूल का यूज़ कर रहा है। तो गाइस, आपको मुश्किल से ही ये साइड इफ़ेक्ट्स का देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए अगर आप इस कैप्सूल को यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें हमारी न्यू वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। तो गाइस, चलते हैं हम और आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।